आरसीबी वर्सेस दिल्ली आईपीएल का विश्वा मैच। इस मैच में आरसीबी तो जीत गया, लेकिन मैच के बाद सारे प्लेयरों को अवार्ड दिया जाता है। इस टाइम पे आईपीएल में 7 तरह के अवार्ड बांटे जाते हैं, तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि किस प्लेयर को कौन सा अवार्ड मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रुपए ऑन द गो फोर, जो कि विराट कोहली को सबसे ज्यादा 6 चौके लगाने के बदले मिलता है। अगला अवार्ड ड्रीम इलेवन गेम चेंजर का अवार्ड है। ये अवार्ड भी विराट कोहली को ही मिलता है, क्योंकि विराट कोहली ड्रीम इलेवन में सबसे ज्यादा 100 पॉइंट देते हैं। इसके आगे टियागो इवी इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच, ये अवार्ड अमन खान को दिया जाता है, जो कि आरसीबी वर्सेस दिल्ली के मैच में 180 के स्ट्राइक रन रेट से रन बनाते हैं। इस दौरान अमन खान 10 बॉल में 18 रन की पारी खेलते हैं। अगला अवार्ड हर्बल एक्टिव कैच ऑफ द मैच है। इस अवार्ड को भी अमन खान को ही दिया जाता है। अमन खान ने फाफ डुप्लेसिस का शानदार कैच पकड़ा था। अगला अवार्ड अपस्टोक मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच, ये अवार्ड विराट कोहली को दिया जाता है, जो कि इस मैच में 50 रन के साथ साथ 2 बेहतरीन कैच भी पकड़ते हैं। अगला अवार्ड विजिट सऊदी बियॉन्ड द बाउंड्री लॉन्गेस्ट सिक्स, जो कि फाफ डुप्लेसिस को मिलता है। और आखिर अवार्ड जो कि किसी भी मैच का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो अवार्ड है मैन ऑफ द मैच, जो कि विराट कोहली को दिया गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।